नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतनी शानदार जानकारी डेयरी फार्मिंग के अंदर। आप सामने जो देख रहे हैं, अपन कह सकते हैं जो बुजुर्ग देख रहे हैं, ये पूरी जिंदगी अपनी जीत चुके हैं डेयरी फार्मिंग खेती लाइन के अंदर। इनके पोते आप देख सकते हैं, पोती आप सामने देख सकते हैं, कितने खुश मिजाज इंसान है। आप इनकी चेहरे की मुस्कुराहट, ये सब कुछ आपको बयां कर रहे हैं। और इनका डेयरी फार्म मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कितना यूनिक डेयरी फार्म इन्होंने सेटअप कर रखा है। काफ़ी हाइब्रिड टाइप का इन्होंने खुले वातावरण के अंदर आप देख सकते हो, एक से बढ़ के एक गाय इन्होंने यहाँ भर रखी है। और इनकी ज़्यादा जानकारी के लिए अपन इनसे ही वार्तालाप करते हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, पहले तो अपनी उम्र बता दीजिए। और किसान भाइयों के लिए आपका ये मंच आपका है, आपके दिल में जो बातें हैं वो आप खुल के कहिए सर। मेरी दिवाली का शुभकामना। जी सर, मेरा बनास डेरी ना मान्य श्री लोक लाडीला शंकर भाई चौधरी ने दिवाली का शुभकामना। जी सर, और मेरा सब कर्मचारियों, डायरेक्टरों, एमडी साहब, डॉक्टर साहब, इन्हें मारा नमस्कार। जी सर, मैं धाखा गांव की जेसुंग भाई प्रभा भाई चौधरी बोल रहा हूँ। मैं 10 साल से गायनो तबेलो चालू करियो, एम मने घणो बधु जोवा मळ्यु। मारा माता भाई बहनो वडीलो आ गायों माटे काम सारी रीते करा तो आपने दाल रोटी जरूर मळे, जरूर चलेगी अपनी चलेगी। जी सर, अने आपने घरे बैठा जी पगार मिले। जी सर, अने 12 महीना नी आपने डेरी साई में जे भरा एन में कोई ने 5 लाख मिले, कोई ने 2 लाख नफो मिले, वो अपने अपने डिपेंड करता है कितना मुनाफा किसको मिलता है। जिस हिसाब से काम होगा, जिस हिसाब से डेयरी स्ट्रक्चर होगा, उतना मुनाफा जरूर होगा। ओके, मैं काफी यूनिक हाई टेक्निक टाइप का आपका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, एकदम खुला वातावरण। इधर खेत है, इधर आप देख सकता हूँ सामने खुला वातावरण है, इधर घोड़ी दिख रही है। तो ये शेड का मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कितना हाइट है, कितना लेंथ है, किस हिसाब से आपने इसको मौसम को मद्देनजर रखते हुए आपने बनाया है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये हमारा ये खेती जी, ये हमारा पशुपालक है जी। इसमें मैं 8 फुट से ऊंचाई में तबेला बनाया है जी सर, ठीक है जी। और ये माटे पत्थर डाला है जी, एक खुला हवा से पशुपालक को आराम मिलता है जी। और बीजी बात, ये हलन चलन एम मच्छर नहीं, खाने पीने में हवामान में बधी रीते पशुपालक ने सारी रीते इन्हें पोषण मिले से जी सर, ठीक है जी। और ये लंबा है 80 फुट लबेला, 80 फुट का इसकी लंबाई है सर। लंबाई है जी सर, ये पौड़ाई है 36 फुट का, 36 फुट 36 फुट 36 फुट की इसकी चौड़ाई है। हाँ, चौड़ाई है। अच्छा, हाइट? हाइट 8 फुट की, 8 फुट का हाइट है, ठीक है। नॉर्मली आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाइट कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल डेयरी फार्म की, या तो क्लाइमेट सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, क्या कैसे हाइट का कैसे अपन अपन को लगना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, कितनी नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 8 फुट तो होना चाहिए, 8 फुट होना चाहिए, वो गर्मी नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगेगा, एना बैलेंस डाल रहे, ठीक है जी सर। अने हमारी बनास डेरी नी अंदर एमने सिमसुड़ी मळे जी, सरकार सिमसुड़ी आले, डेरी साइना आले जी, बराबर जी। ए भी 8 फुट ऊंचाई रखने की, 8 फीट 8 फुट और ज्यादा हाइट रखने के कुछ नुकसान है क्या, बारिश के टाइम कुछ नुकसान होते हैं क्या सर? ज्यादा हाइट के गर्मी उठी लगे, गर्मी भी लगेगी। हाँ, छोटी हाइट हो तो गर्मी लगेगा, गर्मी लगेगी, लंबी हो तो बैलेंस डाल गए। जैसे 15-16 फीट रखेंगे तो कोई दिक्कत आएगी या नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रख सकते हैं, ठीक है जी सर। और हमारी बनास डेरी घास चारा माटे साइना आले, घास चारा माटे उसको घास चारा, हाँ घास चारे वाला, हाँ घास चारा माटे जी, गाय को माटे सब्सिडी आले, सब्सिडी वाले, हाँ एना वीमो ले, एनी गाय एक्सपर्स जाए तो 50,000 रुपया एक्सपर्स जाए तो वीमो वापस मिले। अच्छा, ठीक है, 50,000 रुपये वापस देती है? हाँ, वापस देती है। अच्छा, वो गाय के लोन ले अने एनो वीमो ले तो 50,000 रुपया वापस मिले, बीमा लेंगे तो, बीमा लेंगे तो जी सर।
ठीक है जी। अने 12 महीना नु जी अमारो दूध 30 लाख नु होय, 25 लाख नु होय, 50 लाख नु होय जी। એમને અમારા શંકરભાઈ લોકલાડીરા એની અમને હારામહારી 12 મહિનામાં જે 40 લાખનું હોય તો 7 લાખ રૂપિયાનો નફો મળે જી, 30 લાખનું હોય તો 4.5 લાખ મળે, એમ જે જે પ્રમાણે દૂધનો જેટલો ભરાવે એટલું એની બહારનું બાર બેનિફિટ મળી જાય। થોડા હિન્દીમાં બોલને કોશિશ કીજીએ આપ થોડા સા। મેં એસા બોલ રહા હું, યે ગાય કા દૂધ હૈ જી, બરાબર જી, 100 લિટર ભરાવે, 50 લિટર ભરાવે, 500 લિટર ભરાવે જી, ये दूध 12 महीना में हमने नफो मिले, आपको मुनाफा होगा, 12 महीने आपको मुनाफा होगा। हाँ हाँ होगा जी। इसमें 8वां महीना में जी, 8वां महीना आए, 8वां महीना आता है उसमें, उसमें ये मैंने नफा दे, आपको मुनाफा देती है। हाँ, घरे बैठा हमारा खाता में ये रुपया मिल जाएगा, आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो गया जी जी, बराबर है बराबर। अने ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें जो पशुपालन की नजर रखते क्या अनु पशुपालन की सबके देखना में देख रेख रखे गए, तो घरे बेटा 15 दिन में एमना खाता में बैलेंस में पैसा मिल जाएगा। अच्छा सर। और कोठड़ा है बारदान जी, सागरदान का जी, ये पशुपालन पता हो पति होना बनास डेरी એમને પાછળથી લઈ લે જી, અને એના પૈસા આપણને પાછળથી ફેર આપી દે, વાપસ દે દેગા, વાપસ દેગા। इसके अलावा सर मैं आपसे बात करूंगा, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, आपकी उम्र भी 70 साल से ऊपर, आपने जैसे बात कर रहे थे 70 साल के ऊपर हो गए, आप काफ़ी इंजॉय भी करते हो अपने काम को, आप सुबह 4 बजे उठते हो, गोबर उठाते हो, उनको घास फूस डालते हो, उसके बाद आपके पास गाड़ी भी है, घोड़ी भी है, काफ़ी आप सज्जन आदमी हो। ये आपने कब से स्टार्ट किया डेयरी फार्म, कितनी गाय से स्टार्ट किया, और आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से जगा कि मेरे को भी डेयरी फार्म करना चाहिए बुढ़ापे के अंदर? साहब मैं पहले डायमंड में होता था, डायमंड बम्बई, डायमंड कंपनी में थे बम्बई में, बम्बई में जी। पछी हमारे यहाँ धानागा तालुका नी अंदर हमारे हमारा भाई बहन वडेलो एक गाय लाई, बे लाई, मेरा मन में ऐसा हो गया चलो कि आपने गाय रखने का है। आपको रोकना चाहूंगा, आप जैसे बता रहे कि आप डायमंड की कंपनी में थे बम्बई के अंदर, फिर आपके भाई है, आपकी बहन है, यहाँ गांव के अंदर तालुका के अंदर एक एक दो दो गाय लेके आए, तो आपका भी मन किया कि मैं भी एक दो गाय लेके आऊँ। हाँ, आगे मैं एक गाय रखी जी, और 15 दिन बाद में एक भी दूसरी लड़ाई जी, एम करता करता 12 महीने में 20 गाय रखी, 20 गाय, 20 गाय जी, रिस्क खेला અને એમને બરાબર ટ્રીટમેન્ટ કર્યા જી, મને એમાંથી ગોટી મળ્યું જી, કે ગાય રખના કી જરૂર હૈ જી, ઘરે બેઠા બેંક માંથી એકાઉન્ટ માંથી આપણને પૈસા મિલતા હૈ જી, ઓર મારી બાળ બચ્ચા કો રોટી મિલતી હૈ જી, અને એમાંથી મને લક મળ્યું કે આપણે આ ગાય રાખશું તો આપણે એમાંથી આપણી રોજી રોટી મળે અને આપણે નિર્ભર થઈ જઈ શકું। કબ સ્ટાર્ટ કર્યા સર આપને? મે 10 સાલ હો ગયા, 10 સાલ હો ગયા, 10 સાલ। કિતની ગાય સે સ્ટાર્ટ કિયા થા? ઓ દો ગાય કા, દો ગાય, ઘર કી ગાય થી કે આ બહાર? હા, બીચા થી બહાર સે પકડ કે લાયે, બહાર વડગામ તાલુકા સે। અભી કિતની ગાય? મના 30, 30 ગાય। તો ઓ ઘર કી પેદા કી આપને યા બહાર સે અલગ અલગ જગહ સે લેકે આયે આપ? બહાર 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 કહાં કહાં સે લેકે આયે? ઓ પાલનપુર, ગઢ, મડાના, વડગામ, ફેરાલુ, ઓલ ઇન્ડિયા સે આપ ભ્રમણ? હા, પંજાબ, હરિયાણા। સબસે બેસ્ટ ગાય કોન સી રીજન કે લેગી આપકો? गाय तो हमारी तो वड़कम तालुका है, वो पालनपुर गढ़मंडवाना की। क्या फर्क लगा और गायों में और उन गायों में आपको? वो हरियाणा पंजाब की गाय है। हाँ। ये हमामान सूट नहीं होती है? नहीं नहीं होती, एनवायरमेंट में सूट नहीं होती, नहीं होती। क्या क्या प्रॉब्लम आती है इनमें? इन्हें गर्मी आवे, इन्हें बुखार आई जाए, गर्मी के अंदर ये बुखार, ये क्लाइमेट सूट नहीं होता इनको? अच्छा। और बेंगलोर, बेंगलोर राजस्थान से लेके आए आप? ये गंगा सर वाली है। हाँ। ये ठीक है, यहाँ ठीक है, एडजस्ट एडजस्ट हो जाती है। होती होती। अभी आपके पास टोटल कितना दूध हो जाता है, कितने 30 में से कितनी गाय दूध दे रही है और कितनी नहीं दे रही? और 18 गाय दे रही है, 18 गाय दूध दे रही है, दे रही है। कितना दूध हो जाता है साहब आपका? 200 लीटर दैनिक में, 300। कितना? 200? 200, 150 लीटर, 150 लीटर, 150 लीटर दोनों टाइम का? सुबह में, शाम को 300, 150-300 लीटर। क्या अभी क्या बनास डेयरी में जा रहा है आपका दूध? बनास। कितना लीटर रुपए में जा रहा है? हमारा दूध 25 से 28, 25 से 28 फेट के हिसाब से जा रहा होगा, जा रहा है।
25 से 28 रुपए में आपका जा रहा है। पर मंथ की कितनी इनकम हो गई आपकी? हमारी हमारी कीमत से दिन का 8.5 कितना 8.5। तो सर जैसे आप बता रहे हो आपका पर दिन का 6,000 का दूध जाता है, गाय और भैंस दोनों को मिला के, तो आपका महीने का हो गया 1,80,000। इसमें से अगर अपन बात करें फीडिंग वीडिंग हो गया, लेबर मैनेजमेंट हो गया, उसका खर्चा अपन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर कितना खर्चा होकर कितना प्रॉफिट आपको निकल जाता है? भाई साहब घास चारा मुंगा है। वो आपका आपका खेत है, खेत से आप करवा देते हो? खेत से इतना नहीं, बातें लाने का पड़ेगा, बाहर से लाने का पड़ता है। लाने का क्या क्या लेके आते हो बाहर से? लाए वो मगफल की चार, चना की फटी बाजरी की, बाजरी और दोनों की लाए, उनकी भी लेके आते हो? ले गया। तो कितना खर्चा हो जाता है टोटल और कितना बैलेंस बच जाता है? अभी तो मुंगवारी है, घास चारा मुंगा है और दाना बाजरी है, धान है, मूंगा है, तो हमारा जो खर्चा है वो महीना की 40-50,000 मिलता है। 40-50 खर्चा निकाल निकुल के 50,000 रुपए आराम से बच जाता है। पर हमारी मजदूरी बिकी, वो मजदूरी तो आपकी वो रहेगी, मैं समझ गया आपकी मजदूरी। खुश हो नहीं हो? खुश। कोई परेशानी नहीं? परेशानी कुछ नहीं, घर बैठा पिज्जा मिलता है, हमारे खाना पीना दाल रोटी मिलता है, और क्या चाहिए इंसान को? नहीं बस भगवान की माला फेरता हूँ। नहीं साहब आज के टाइम आपको पता है जमाना चेंज हो रहा है, लालच, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, ये कर लिया वो कर लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, शांति है, शांति है। एक आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप एक्सपीरियंस आदमी हो, कमी लोग मिलते हैं ऐसे, मैं खुश नसीब हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है सर जी। आज के टाइम क्या है कि हमारे जैसे युवा लोग है जी, 25-26 साल के हैं जी, वो क्या पढ़ाई तो अच्छी कर लेते हैं, कंपनी में काम करने जाते हैं, उनको दिन रात काम करवाते हैं, पैसा देते हैं बिल्कुल इतना, रोटी भर पेट भरने जितना, वो छोड़ के डेयरी फार्म में आते हैं, एक साथ इतना बड़ा करोड़ों रुपए लगा देते हैं, फिर वो नुकसान हो जाता है उनको, फिर वो छोड़ के भग जाते हैं। क्या उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और वो कैसे इसमें सफलता पा सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से बताइए साहब। मैं दो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूँ, मेरा भाई और बहनों मेरी बात सुनो, जो गाय रखो भैंस रखो जी, तन मन से जी वो गाय भैंसों की सेवा करो, तो मोटी ऑफिस में रहो, इनके डबल आवक पशुपालन में, डबल इनकम आपको मिलेगी, मिलेगी। आप बस उनसे मेहनत, घर बैठे मिलेगी, मिलेगी। मेहनत करो बस, मेहनत, सिर्फ मेहनत, दिल से मेहनत करो, दिल से। और सर आप एक्सपीरियंस आदमी हो, अपन अपना पता है नरेंद्र मोदी का भी भाजपा का भी एक एजेंट है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल मुद्दा हो सकता है, गौ माता सेवा। आप मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने अचब गायों का भंडार भर रखा है, देसी गाय क्यों नहीं पाल रखी? मेरे पास दो है, दो ही गाय क्यों पाल रखी है आपने? इतनी अच्छा है तो आपके पास गौ माता के लिए आपको देसी नस्ल पे भी काम करना चाहिए, भारत के लिए आपको पता है कितने कैंसर हो रहे हैं, कितना और हो रहा है, उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए था साहब। मेरी गौ माता है जी, 33 देवों का वासा है जी, ठीक है जी। मेरी माता है, सुबह में उठ के माँ का नमन कर रहा है न जी, तो आखो दिन सफल होता है जी। पर मेरा भाई और मेरा बहनो मेरी बात सुनो, गौ माता जरूर रखने का, बाल बच्चों को खिलाएगा दूध घी तो रोग कभी नहीं आएगा। पॉजिटिव माइंड रहेगा, रहेगा स्वच्छ वातावरण रहेगा, उसका गोबर है, मलमूत्र है जी, ये दवा के से आगे जी। पने मेरी ब्याह जोड़ के गाय तो मारा भाई, हिंदू भाइयों, एक रखो, दो रखो, पांच रखो, तो तमाने भगवान तुम्हारी आत्मा से पूरा करेगा, शांति मिलेगी, इसलिए मारी नमन विनती जी। बिजनेस के लिए पेट पालने के लिए अचब तो रखनी पड़ती है आपको, आपको भी तो अपना धंधा चलाना पड़ता है, पेट के लिए रखने के लिए, यही बात समझ गया मैं। चलते हैं अपने आपकी गायों को अपन कवर करते हैं, एक एक गाय के बारे में बताते रहिए, कौन सी गाय कितने लीटर दूध देती है, क्या है क्या नहीं है। ये भाई साहब 15 लीटर वाली, ये वाली बीच में भी है, ये वाली, ये 15 लीटर जी, ठीक है जी। और आगे बढ़ो जी, ये 15 लीटर हाँ 15 लीटर वाली जी, ठीक है जी। इनके बारे में बताइए, ये कितने कितने साल की है, कितने ब्याज की हो गई है, कितना है क्या? ये गाय है ना, छठा वेतर है इसका, छठा वेतर जी, ठीक है। इसका काफी अडर वडर भी मैं काफी शानदार क्वालिटी का दिख रहा है साहब, ऐसा आपने क्या खिलाते हो इनको कि इतना शानदार इसका अडर दिख रहा है, बॉडी शेप भी शानदार दिख रही है जी। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, आप यूनिक कुछ काम कर रहे हो इनके ऊपर। ये गाय गाभन है, मालूम जी सर, ये गाय को 2 महीना पहला जी इसको दान
खांड पाउडर कैल्शियम जी उसका डालता है। अच्छा बराबर है, बराबर कहीं ना बीचा है बच्चा जी, बीचा विकास वाला रहेगा। अच्छा बराबर है, बराबर। तो ये मुआवजा में जी 10 महीना द्वारा देन जी, एम दूध में बीजे गाय नहीं कैल्शियम न घटे जी, इसलिए 2 महीना पहला खान दाना पाउडर कैल्शियम डालना चाहिए। कैल्शियम और वो सारे आप दाना देते हो जी, जी। ये काफी भारी भरकम शरीर की दिख रही है, ये सर। का है जी 13 से 14 लीटर, 13 से 14 लीटर, 13 से 14 लीटर। ये कहाँ से लेके आए साहब आप? ये वडगाम तालुका की, वडगाम तालुका की। हाँ कितने ब्यातन की है, कितने ब्यात हो गए इसके? ये गाय 4 वक्त ब्याह ली है, 4 बार ब्याह चुकी है ना, पांचवी साल, पांचवी साल है। हाँ। आगे चलते हैं, आगे आइए। हाँ। और बताते रहिए आप। ये गाय है, ये 20 लीटर वाली, 20 लीटर, 20 लीटर आज साल में रिपीट हो गई है, ये रिपीट हो गई है, रिपीट हो गई है। रिपीट के बारे में, उस डिजीज के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ये कहाँ से लेके आए थे सर आप? ये गाय खेरालू। तो कितने साल की है, कितने महीने की है, कितना बच्चे, कितने बार? ये गाय 5 बेटर, 5 बेटर, 5 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है, 6 साल हुए गाभण है। एक बात बताइए सर जी, 15 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, हाँ दूध का क्वालिटी का फर्क है? खाने का क्या डिफर करते हो या सेम सबको एक जैसा देते हो? ज्यादा दूध देने वाली गाय को? नहीं बात है, हाँ ये 20 लीटर वाली है, हाँ वो 2-2.5 किलो डालना जी, ये के 4.5 किलो डालना चाहिए, फर्क रहता है? फर्क रहता है, गाय वजनदार है, मुआवजा वाली है जी, उसका जितना डाला इतना देगा। और मिल्किंग के लिए क्या, हाथ से मिल्किंग करते हो मशीन लार की? मैंने हाथ से मिल्किंग है, हाँ मैंने हाथ से डोरा है। हाथ से आप निकालते हो दूध? ना मेरा लड़का हो, मेरी लड़की हो, मेरी औरत, मेरे लड़का की, पूरे परिवार को आपने लगा रखा है, लगा रखा। आगे आइए, हाँ आगे बताते रहिए, कौन सी है, क्या है, क्या नहीं है। गायों के बारे में बताइए, ये कौन सी है? ये मेरे घर की है। आपके घर की है? मेरे घर की। ये मेरे घर की। आपके घर की है? आगे आते रहिए। ये बच्चे कौन से सीमन के हैं साहब, पता है कुछ आइडिया है जी? कौन सा सीमन आपका लगा रखा है, कौन से सीमन के बच्चे हैं ये? ABS सीमन हो गया कि आपको आइडिया है इसका? ये का? हाँ नहीं साहब, आइडिया नहीं। आप इंजेक्शन लगवाते हो, कौन सा लगवाते हो, कैसे लगवाते हो, सुई भरवाते हो आप, कैसे करते हो सीमन? सीमन डॉक्टर आता होगा, इंजेक्शन लगाता है, कौन सा सीमन यूज करवाते हो आप? ये तो डेजी का डॉक्टर आ रहा है, उसको ये उसका मालूम है, मेरे को मालूम नहीं। आपको नहीं आइडिया? आगे बताइए, इनके बारे में बताते रहिए साहब, आप गायों के बारे में बताते रहिए। काफी शानदार कद काटी की गायें आपके पास है, काफी ये तो थोड़ी थकी हुई सी भी लग रही है शरीर में साहब, इनका ऐसा क्या चक्कर है? ये गाय रिपीट में थी, ये रिपीट में थी, वो 12 महीना हो गया जी, अभी हमें गाभण है। अच्छा, उसका चर्बी चढ़ी गई नहीं जी, बार बार पानी में, महीना महीना विद्युत कराते थे, 1 महीना हमारा 3 महीने की गाभण है जी सर जी। आगे आइए, आइए इधर देख रहा हूँ, और भी गायों का काफी भंडार। ये कौन सा बुल है, क्या है ये? ये गाय मेरे घर की है, ये तो काफी शानदार दिख रही है साहब, तो ये बच्ची है जी, ये रिपीट में रहेगी जी, ये रिपीट में आ गई, 15 लीटर दूध वाली है, और 2 बार भी होने, तीसरी बार गाभन है गाभन है। ये इतना इसको क्या खिलाते हो साहब, ऐसा इतनी भारी भरकम में ऐसा कैसे हो सकता है ये? इसे भाई साहब ऐसा है, और दाना जी, दान बाजरा जी, पाउडर जी, ठीक है जी, आने ने मिलावट नहीं, अन्य घास चारा डाल में दाना खबराते। आगे आइए, आइए ये सारी एक से बढ़ के एक, ये आपकी घर की गाय दिख रही है सारी, ये बच्चे देने, ये दूध दे रही है अभी नहीं दे रही है? ये गाभन है ये वाली, ये मेरी बात सुनो भाई साहब, बोलिए सर। ये गाय का एक तो रिपेज, एक अडान का प्रॉब्लम होता है, अडान का, हाँ हाँ अडान का, और दो ना होए, हाँ, तो एक इसका पूजा करने की पड़ेगी। ये दो बीमारी अगर गाय से हट जाए, एक तो रिपीट वाली और एक अडर वाला, अंडर वाला, तो इसके अलावा इसकी पूजा करो चाहे कोई परेशानी नहीं, नहीं होती है। पर आप इनसे परेशान हो, एक तो रिपीट से और एक अडर से। सर एक आपसे रोकना चाहूंगा जी, आप काफी एक्सपीरियंस और बुजुर्ग आदमी हो, आपने एनालाइज करने की कोशिश की होगी कि मेरी गाय क्यों रिपीट हो रही है, ऐसा क्या कारण है,
मौसम के हिसाब से हो रही है, गर्मी के हिसाब से हो रही है, खान पीन के हिसाब से हो रही है, या जब आप उसको गाभिन करवाते हो उस टाइम आप खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हर एक डेयरी फार्म में ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने कोशिश की होगी जानने की क्या कारण हो सकते हैं? मैं हमारा वडेलों ने बोल रहा हूँ, इसमें गड़बड़ तो मेरा हमारा ही है। आपका ही है? आपका ही। ये मानते हो आप? मानता हूँ जी सर। ये गाय का अब हमारे मेरा मालूम ऐसा है जी, गाय यारे बच्चा गाभण हो जी, पति ब्याह है जी, पति आपने गाय ने मालूम नहीं देता है, बराबर बराबर ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं देता है जी सर। इतने इसका पाउडर डालने का, इसमें अपना अजमा है जी, देसी अजमा 2 किलो, अने इसका इन्हें अपने 15 दिवस बाद गोड़ है, अजमा है, सोआ है, तेल सरसिया है, उसका डालने का, तो एम जेना गर्भाशय में कोई भी गड़बड़ हो तो यदि मेली निकली जाए तो गाय आड़ी पिटना था। समझ गया सर आपकी बात को, अपन को अपनी लापरवाही की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम आ रही है, अपन को अपन को ध्यान देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जब ब्याती है दूध निकालते हैं, दूध से मतलब नहीं होना चाहिए, इसके शरीर की इसकी देख रेख के लिए भी अपन को जानकारी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये सामने देख रहे हैं, ये कौन सी गाय है साहब? ये गाय है मेरे घर की। घर की गाय? घर की गाय। ये भी आपकी घर की लग रही है मेरे को? आई घर की है। 2 साल से रिपीट में थी। 2 साल से रिपीट में थी। 20 लीटर दूध। 20 लीटर दूध। 20 लीटर सर 2 साल से आप पधार रहे हो, और 3 महीना बाद गाय भी आएगी। 20 लीटर 20 लीटर 20 लीटर 2 साल तक आपको इसको नुकसान में झेलना पड़ा। नुकसान में अब जाके ये गाभिन हुई है? गाभिन है। अच्छा सर, 2 महीने ये आएगी। भगवान की देन से अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। भगवान अगर प्रार्थना कर रहा हूँ। इधर आते हैं तो इधर ये देसी नस्ल की गाय मेरे को दिखी। गाय नस्ल ये कौन सी है? मेरे मेराई जी राजस्थान। राजस्थान से? हाँ जी जी सर। नागौरी बेल? हाँ नागौरी बेल। और ये इधर छोटे बछड़े दिख रहे? छोटे बछड़े। मैं एक बात कर रहा हूँ। सामने आइए अंकल जी, आप सामने आइए, सामने कैमरे के सामने आइए, बताइए आप जी। मैं एक बात कर रहा हूँ जी। मेरा वे हाथ जोड़ के नमस्कार, मारा लोकलीला लालीला एमडी फैमिली मेरी नमस्ते। मैं एक छोटे से इंसान बात कर रहा हूँ जी। हमारी गायों का एक मारी सौ सलाम से विनती कर रहा हूँ। हमारे ये विद्वान में काला गोरा खरबचड़ा बचा रहा है, तो उसका भी हाथ जोड़ कर गए हूँ कि विद्वान सारो बचाने लिए रेडली फार्म वाली काली काबरी आमा गड़बड़ है, दो हाथी जोड़ कर बात कर रहा हूँ, विद्वान सही डालना, इतनी मारी नमस्कार है जी। बिल्कुल आपकी बातों को सुना जाएगा। आगे मैं भैंसे भी देख रहा हूँ साहब, आपकी भैंसे का भी आपने काफी भंडार यहाँ भर रखा है। ये कौन सी भैंसे हैं, कौन सी नस्ल की है साहब, बताते रहिए इनके ऊपर। ये है रानीवाड़ा तक। अच्छा, ये तो कितनी दूध देती है? केवी गाभन है। गाभन है, गाभन है। कितने लीटर वाली है ये? ये 6-7 लीटर 6-7। ये कौन सी है, मुरा नहीं है क्या इनमें साहब? ये बेहे हमारे नई राजस्थान जी सर। अच्छा सर, ये अच्छा बराबर बराबर। ये घर की? आपके घर की है? घर की जी सर। ठीक है। और ये पाड़ी मना देगी? ये अभी बच्चे को जन्म देगी? हाँ जी। अच्छा, 8वां हो गया। आ घर की है जी। ना है बीचा तिलाई है आपने आडेजा? आडेजा। तो सर आपका मैंने पूरा आपका इतना बेहतरीन तरीके से आपने इतनी शानदार जानकारी हमने व्यूवर्स को दी है, आपका स्ट्रक्चर देखा हमने, एक से बढ़ के एक आपके पास गाय है, 20 से लेके 25 लीटर वाली गाय आपने हमको दिखाई है, कितना खुला वातावरण है, कितनी साफ सफाई है, कितना शानदार वातावरण है। आपके पास देसी नस्ल की भी गायें हैं, भैंसे भी है, अच्छा गायें भी है,
आपसे जैसे वार्तालाप कर रहे थे तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट देसी गाय में हैं, और आने वाले टाइम में और भी देसी गाय, मैं जब यहाँ दोबारा आऊँगा तो आप देसी गाय पे और ज़्यादा काम करोगे, जी आप जो नस्ल सुधार है उस पर और काम करोगे। और ये एक तो बिजनेस के तौर पे आपने अच्छा गाय को पाल रखा है, एक कुछ बिजनेस के लिए दो दो रुपये इनकम हो जाए, अपना पेट चल सके, इसके लिए अच्छा गाय का भी थोड़ा बहुत साइड में चलना चाहिए जिससे कि पेट अपनी रोजी रोटी चलती रहे। इसके अलावा सर, आपने क्या क्या कमियां महसूस की है, क्या क्या आपको परेशानी आई है? 8-10 साल आपको काम करते हो गए, मेनली आपने जैसे बताया एडर की एक प्रॉब्लम हो गई, एक आपका रिपीटर की प्रॉब्लम हो गई, इसके अलावा और भी थोड़ा बहुत आपको कंडीशनल एनवायरमेंटल इश्यू रहता होगा, क्या क्या परेशानी आपको महसूस कर रही है और आप उस पर कैसे काम करके उसको कैसे हटा सकते हो? मेरा जी ऐसा है मकसद जी कि पहला तो हमारा जी हमारा परिवार जी गाय के भैंस के लिए जी जान रखने का, जी दूसरी बार जी हमारा जी डेरी ना जी डॉक्टरों से जी रात भर सवार से रात ना 12 बजे तक उसका मैसेज भेजा तो अभी नहीं खड़े थे होते, हाँ ठीक है। जी पर हमारा जी ऊपर वाला का नसीब हाँ कोई एक्सपर्ट होता है, ठीक है, कोई रिपेट होता है, ये तो ऊपर वाला सी ये तो मेरे भगवान की देन है, दे देखो रहे। कैसा हाँ है क्या है क्या नहीं है। ठीक है। खाने में क्या खिलाते हो, खाने पूरा में पूरा प्रोसेस बता दीजिए, ये खिलाते सुबह से लेकर शाम तक? वो मखमल की चार वो उधर मैं साइड में लिखी है आपके आमों की, लिखी, हाँ और चना की चार, हाँ और बाजरी की चार, जी बाजरी में मालूम पड़े, बाजरी जी सर ठीक है, जी अपने मक्की घर पे से मक्की नीली मक्की, जी एक दिन एक टाइम मक्की हाँ। तो एक टाइम मगफल ऐसी दिन में कितनी बार खाना खिलाते हो? दो दो राम सुबह और शाम, शाम कितना एक गाय को कितना खिलाते हो? और चना की चार हो गए हाँ तो एक गाय ने कॉफी 4 किलो 4 किलो जी। तो दिन का कितना, एक टाइम का कितना टोटल आपका खाने का लग जाता है, कितना क्विंटल दाना लग जाता है? और एक बोरी धान हाँ 75 किलो की, हाँ 100 किलो की बाजरी, हाँ और कपासिया पापड़ी का मालूम जी है, जी जी हाँ हाँ ये तो महंगी है, जी ओली पापड़ी लावे हाँ 1 40 का टन पापड़ी, पापड़ी तो मिक्स करके खिलाते हो मैं कैसे, अमीर मिक्स कहाँ मिक्स करते हो उसको? ओ आयन ये तगारी जो दिख रही है, तगारी देखी, हाँ हाँ तगारी में पहला दान हाँ पापड़ी हाँ और बाजरी बाजरी दोनों आत्रणी से डाले और माय पानी भेजना। क्या आपको लगता है सरकार से आप अनुरोध करना चाहोगे कि दूध के भाव थोड़े से और बढ़े तो आपकी स्थिति और थोड़ी मजबूत हो सकती है? आपको लगता है 27-28 रुपए में काम नहीं चलता है, क्या आपको क्या लगता है साहब? इसलिए तो हमारा आहन हाँ माल टूट गया है, जी डीजल में मंगवारी, जी ठीक है, खांड भोगी मंगवारी, जी जे वस्तु लावा मंगवारी, जी पानी ना मिलने रखा पानी का 25 रुपया, जी सर तो हमारा दूध नहीं 25 रुपया, दूध नहीं धान की कीमत नहीं धान कुछ, नहीं कुछ नहीं किसान किसान मर रहा है मर साहब, रहा है, किसान के प्रति ध्यान देने की जरूरत है, जरूरी है, मेहरबानी करी नहीं 30 से 35 रुपए हुए तो आपके 2 रुपए नहीं अच्छे हाथ अंदर, जोड़ के 30-35 से होए तो हमारा रोटी भर चला दे। बिल्कुल आपकी सर, आपकी आप जैसे एज के लोग अगर इतना इंटरेस्ट इतना जज्बा है, देखिए ये असली किसान अपने देश के, आप सामने देख सकते हो इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, 70 साल की उनकी उम्र है फिर भी ये दिन रात भाग दौड़ करके आप कितने जोशीले तरीके से अपन से बात कर रहे हैं आप सामने देख सकते हो। और सामने सर एक युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, आप तो अपनी जिंदगी जी चुके हो, 70 साल की उम्र हो गई है, बताइए अपने तरफ से खुल के बताइए कि क्या करना चाहिए जिंदगी में? मेरा यवन भाइयों जी मेरी बात सुनो, जी कोई बाहर देश जाने की जरूरत नहीं है, जी घर भी चाहिए जी अपनी बनास बिरडी डेरी जी तमने लोन आले से जी लोन मिल जाएगा, मिल जाएगा घर बैठे, जी तो ये लोन ले को अने पशुपालन लाओ भैंस और गाय जी और कांग्रेस गाय हाँ। अने दो हाँ। डेरी में दूध भराओ हाँ। तमने घरे बैठे तुम्हारा पगार मिल जाएगा जी और 12 महीने तुम्हारा बेनिफिट मिल जाएगा, जी अने साधना बाल बच्चा भाई माँ मदर
सब कुटुंब भेड़ा रही गई अने खाने पीने ने तमारी रोजी रोटी मिल जाएगा, इतना हमारा नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहेंगे सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी आप देने के लिए। आखिर में आप कहाँ से बात कर रहे हो, थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए, जिससे कि क्या है कि सर आपकी उम्र 70 साल, मैं कई बार बोल चुका हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस हो, मैंने आपसे कोई भी झूठी, आपसे कोई जो आपने कही, दिल से आपकी आवाज़ निकली, आपने सच्चाई से जो सवाल पूछे मैंने आपने जवाब दिए, कहीं अब यंग जनरेशन के लोग होंगे उनके मन में कहीं सवाल आएंगे, आपने इस ये वीडियो तो 15-20 मिनट का वीडियो बनाया, इसमें सारे सवाल आपने कवर नहीं किए, कुछ बच भी गए हैं वो आपसे पूछना चाहेंगे, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हो, अपना मोबाइल नंबर आप बता दीजिए, आपका एड्रेस क्या है, डेयरी फार्म का नाम क्या है, वो तो संपूर्ण जानकारी आप देने की कोशिश कीजिए साहब। बोलिए जी। मेरा गांव ढाका जी। मेरा नाम जेसुंग भाई परवा भाई चौधरी जी। मेरा लिखो फोन नंबर जी 84 4 74 64 3 04 जी। इन्हीं शब्दों के साथ सर इस वीडियो को यही खत्म करना चाहेंगे, आपने संपूर्ण जानकारी आपने दे दी, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, जिनको भी कोई प्रश्न आएगी वो आपसे कभी भी 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं, पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बुजुर्ग आदमी है, फालतू का परेशान ना करे, अगर आपके पास जेन्युइन गाय लेनी है या गाय के बारे में जानकारी लेनी है या कोई परेशानी है तभी इनको फोन करें और ये जरूर आपकी हेल्प करेंगे। सर कुछ कहना चाहोगे या वीडियो यहीं खत्म करना चाहूंगा साहब मैं? मारे केवन भाइयों जी, मैं बे हाथ जोड़ के तुमने नमस्कार कर रहा हूँ जी, घरे बैठा जी, कोई बाहर घूमने की जरूरत नहीं है जी, कोई खोटी रिक्स करने की जरूरत नहीं है जी, मैं दो हाथ जोड़ रहे तेरे को बोल रहा हूँ कि घर बैठे पशुपालक की रखो, गाय को भैंस को कांग्रेस गाय को घरे बैठा लोन बना दे दी, तो मैंने दे के लोन ले 2 लाख लो तो 1-3 लाख लो तो 1 लाख नहीं 20-20 हजार सब्सिडी मिले घरे बैठा। बिल्कुल सर ठीक है, तो ये ना हफ्ता 10 हजार कपाई जी, तो बाहर बम्बई से मद्रास से बेंगलोर से कोई घूमने के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अपना हाँ। घर बैठे धंधा स्टार्ट करिए, आप जरूर सक्सेस पाओगे। इन शब्दों के साथ यही खत्म करना चाहूंगा, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय गौ माता साहब।